जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है। और फर्जी संगठनों की बात की जाए तो आजकल ऐसा बहुत फर्जी संगठन है जो दूसरे का नाम इस्तेमाल करके फायदा उठाना चाहती है। और ऐसा ही वाकया देखने को मिला अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षेत्र महासभा, जिनका फर्जी संगठन भी चल रहा है, जिसको लेकर इनके अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है और हमसे जीएन भारत से खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ संगठन का मसला है? संगठन का मुद्दा है कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षेत्रीय महासभा, इसका जो विचार आया था 1906 को और रजिस्टर्ड हुआ है 1912 को। तो जैसा कि आप गूगल खोलिएगा तो पहला हिंदुस्तान का रजिस्टर्ड संस्था यही है। चला 1918 तक ये चला, कुछ लोग फर्जी चंदा चिट्ठा के लिए आगे आए और मात्र 10-12 जन एक अलग से संगठन बना के हम लोगों का कागजात चुरा के कलकत्ता रजिस्ट्रार के वहाँ पर जमा किए हैं रिटर्न। चूँकि कोरोना काल था, 18 के बाद हम लोग जा नहीं पाए, रजिस्ट्रार ऑफिस भी बंद रहता था, हम लोग अपनी बातों को वहाँ रख नहीं पाए। हम लोग ये सोच भी नहीं पाए थे कि हम ही लोग के बीच के कुछ लोग चंदाखोरी के लिए अलग से कुछ ना कुछ करेंगे। इसका प्रमाण है कि करीब करीब 10-20 लाख रुपया मेंबरशिप से आया है, जो महासभा का बैंक में जमा नहीं है, वो अलग से कोई बैंक में जमा है और अलग अध्यक्ष और महामंत्री बन के लोग जमा किए हुए हैं। हम लोग आप लोग के माध्यम से पूरे चंद्रवंशी समाज ही नहीं, सभी लोगों को ये आगाह करना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक रहिए, नहीं तो रजिस्टर्ड संस्था के साथ भी फर्जी वाड़ा हो रहा है और मेहनत कस लोगों का जो पैसा खून पसीने का होता है उसको लेकर अपने हित साधने में लगे हुए हैं। संगठन में एकता की कमी कहा जा सकता है? हाँ, एकता की कमी अगर नहीं रहती तो 1912 का जो संगठन झारखंड में, हम लोग मैडम करीब करीब 30 विधानसभा ऐसा है जहाँ हम लोग निर्णायक हैं। पलामू का ले लीजिए, रांची का ले लीजिए, अब धनबाद का ले लीजिए, झरिया का ले लीजिए, अनेक उदाहरण है। अगर हजारीबाग है, अगर हम लोग यूनाइट रहते, हम ही लोग नहीं, बाकी समाज भी दबे कुचले हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन लोग अगर यूनाइट रहते तो आज स्थिति समाज की भी अच्छी होती और देश की भी अच्छी होती। चूँकि जितना संगठित समाज होगा देश उतना ही उन्नति करेगा। ये सभा क्या कुछ अभी कर रहा है, कुछ अपडेट? अब ये सभा अपने समाज के लिए भी क्या कुछ नया कर रहा है? अभी हम लोग नया कर रहे हैं कि सामूहिक विवाह जो हम लोग करते थे कुछ दिन से बंद है, हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग के जो सर्वमान नेता हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, विश्रामपुर के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, इसका शिक्षण संस्थान का बहुत बड़ा एक हब है। रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी भी इनके माध्यम से आया है। हम लोग सब सूचीबद्ध कर रहे हैं कि पैसा का अभाव में कौन होनहार छात्र छात्राएं नहीं पढ़ पा रही है, अदर समाज का भी होगा तो हम लोग वहाँ भेजेंगे और निःशुल्क वहाँ पर हम लोग शिक्षा देंगे। एक बात पूछना चाहती हूँ, ये फर्जी संगठन बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ऐसा संगठन लोग बना के बहुत पैसे लोगों से लूट लेते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भोले भाले जो जनता होते हैं वो ठगा जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, संगठन से विश्वास, जो ओरिजिनल संगठन है उससे भी विश्वास कहीं ना कहीं उठने लगता है। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का आपको लगता है संगठन कोई कोई काम करने लगता है? देखिए, होता ऐसा ना कि आप अच्छे काम करने लगिएगा तो लोग को बर्दाश्त नहीं होता, वो आपका टंगरी घिसता है और जब टंगरी घिसता है तो आप निश्चय ही पीछे आते हैं, आगे नहीं जाते हैं, फिर प्रयास करते आगे जाने के लिए। तो हर समाज में कुछ लोग होता है जिसके चलते हम लोग पिछड़ते हैं। और इसके साथ ही आप क्या, आपको लगता है सरकार को भी ये संगठन जो फर्जी इतना आसानी से कैसे बन जाता है, सरकार को भी इस पर कोई संज्ञान लेना चाहिए, कोई लॉ बनाना चाहिए, रजिस्टर्ड संस्थान ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं, सरकार तो लॉ बनाई है, उसी के अधीन हम लोग एफआईआर किए हुए हैं। आसानी से कैसे फर्जी बन के निकल? देखिए, डॉक्यूमेंट वगैरह चुरा के, जैसे कलकत्ता जहाँ हम लोग का रजिस्टर्ड जो कलकत्ता में रिटर्न जमा होता है, तो कलकत्ता वाले नहीं समझ पाते हैं ना कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है असली है कि नकली है। तो अब हम लोग कहते हैं कि आप 10-20 दिन समय लीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ लूपहोल है, सिस्टम में लूपहोल है।
इसको भरने की जरूरत है, भरने की जरूरत है जी। तो आपने सुना कि सिस्टम में लूपहोल की बातें वो साफ तौर पर कह रहे हैं, उसके साथ भी कह रहे हैं कि ये जो बार बार डॉक्यूमेंट्स आता है, असली है नकली है पता नहीं चल पाता, और आसानी से किसी भी संगठन का फर्जी संगठन बन जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि एक संगठन ओरिजिनल जो होता है, जनता का काफ़ी विश्वास होता है उसमें, जनता चंदा देते हैं, बहुत पैसे देते हैं, और जब उनका एक बार विश्वास कई बार ऐसा फर्जी बड़ा में फर्जी संगठन से विश्वास उठता है, जो ओरिजिनल संगठन है, कई ऐसे ओरिजिनल संगठन है जो जेन्युइनली जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, उससे भी संगठन का भरोसा जो है, जनता का भरोसा, वो उठते चला जाता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप जीएन भारत। मैं शिखा श्रेय अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।